अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं मम्मी आज चीज़ लावा सैंडविच बनाएंगे। जी बेटा बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं चीज़ लावा सैंडविच और ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है और बहुत मज़ेदार होती है, बहुत चीज़ी होती है और बहुत ईजी भी होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन चॉप करके। अगर हम फ्रेश लहसुन यूज़ करें तो हर खाने में मज़ा डबल हो जाता है। सब चीज़ें बारीक काट काट के यूज़ करनी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज आप एक ले सकते हैं दरमियानी और उसको अच्छे से चॉप करके आप इसमें ऐड करिए, इसको फ्राई करिए। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको लाइट सा हमें कलर देना है और सौते करना है बस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। आप चाहें तो चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर कीमा होगा तो फिर आपको कटिंग में और फिर आपको खाने में हर बाइट में आपको उसका टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप चिकन के पीसेस ले लेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी। तो इसलिए मैं ले रही हूँ कीमा बीफ का। आप चाहें तो मटन लीजिए या आप चाहें तो चिकन लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपको पसंद है आप वो लीजिए। इसको थोड़ा दरमियानी आँच पे हम इसको भून लेंगे ताकि इसमें ज़रा कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए। कीमे को भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 से 3 टमाटर हैं ये, दरमियाने टमाटर हैं ये। अगर आप 2 ले लें तो दरमियाने 2 ले लीजिए और अगर छोटे हैं तो 3 ले लीजिए आप टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च। और लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें करूँगी क्रश करके फ्रेश काली मिर्च। अच्छे से हम इसको भून लेंगे, टमाटर का पानी सुखा लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि मेरे खानों में ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि खाना पकाने का मकसद ये नहीं होता है कि आपके पास जितने भी कैबिनेट में मसाले हैं आप वो इसमें ऐड कर दें। हर मसाले का एक अलग टेस्ट होता है और अलग फ्लेवर होता है, और हर खाने में ज़रूरी नहीं होता है कि हम तमाम मसाले ऐड कर दें। मतलब कम से कम मैं तो ऐड नहीं करती हूँ तमाम मसाले, जितनी की ज़रूरत है उतना ऐड करें। वैसे भी इन चीज़ों का टेस्ट थोड़ा लाइट अच्छा लगता है ताकि उसमें चीज़ का फ्लेवर आए, लेकिन अगर आपको प्योर पाकिस्तानी स्टाइल चाहिए तो आपको लाल मिर्च और चटपटा करने के लिए तो आपको मसाले ऐड करने ही पड़ेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है ओरिगानो और ओरिगानो के साथ मैंने ऐड किया है फ्रेश हरा धनिया। आप इसमें बारीक हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। कीमे का पानी सूख गया था, भून गया था, उसमें हमने हरा धनिया ऐड कर दिया और उसको मैंने चूल्हे से उतार लिया। अब मेरे पास यहाँ पे है मोज़रेला चीज़। आपके पास जितना चीज़ है, ज़्यादा चीज़ होगा तो उतना ही मज़ेदार लगेगा। और साथ में मैंने लिए केचप। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, ऐसा पैन लें जिसको आप कवर कर सकते हैं, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ शावरमा ब्रेड जो बाहर से इजीली मिल जाती है। उस पर पहले हम स्प्रेड करेंगे केचप, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम उस पर लेयर लगाएंगे कीमे की जो हमने रेडी किया था, अच्छे से पूरे में कीमा फैला देंगे। और उसके बाद हम लेयर लगाएंगे मोज़रेला चीज़ की। आप जितना मोज़रेला ऐड कर सकते हैं आप ऐड करिए, आपको जितना पसंद है, क्योंकि इसी का तो फिर आपको मज़ा आएगा और यही आपको लावा सैंडविच का लुक देगा। चीज़ की लेयर लगाने के बाद मैंने वापसी एक और शावरमा ब्रेड जो पीटा ब्रेड कहलाती है मैंने उसके ऊपर लगाई है, और दोबारा से मैं उसके ऊपर केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। चाहे आप होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर कीमे की लेयर नहीं लगाऊंगी और सिर्फ चीज़ की लेयर लगाऊंगी मैं इसके ऊपर, और अच्छे से चीज़ को चारों तरफ फैला दूंगी ऐसे कि वो गिरे नहीं। ये सैंडविचेस या स्लाइडर्स आप इसको जो भी कहें, ये बहुत मज़ेदार होते हैं और आप इसको लंच टाइम पर या आप स्नैक्स टाइम पर या आप रमज़ान में आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। अब मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी पाकिस्तानी लुक देने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करिए और ओरिगानो। आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रखूँगी और कवर कर दिया मैंने उसको ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। हमारी सैंडविच रेडी है बिल्कुल, और हमें पकाने की ज़रूरत सिर्फ इसको इसलिए थी ताकि इसको स्टीम मिले और जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, नहीं तो कीमा भी हमारा रेडी है और पीठा ब्रेड भी हमारी रेडी थी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। यकीनन इसको देख के आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बन जाएगी ये। और ये कितनी मज़ेदार और चीज़ी लग रही है, हाथ तो इसमें रुकने वाला है नहीं। चीज़ ठंडा हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का, तो मैं जल्दी जल्दी और बनाती हूँ और बच्चों को सर्व करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को जल्द से जल्द ट्राई करिए, अपना फीडबैक दिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।